यूपी में शनिवार को एशियन गेम्स, एशियाई पैरा गेम्स और नेशनल गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान 189 खिलाड़ियों को करीब 62 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई। 4 प्लेयर्स को डिप्टी एसपी बनाया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यूपी में अब दंगे नहीं दंगल होता है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों के साथ है, उन्हें नौकरी मिल रही है, खिलाड़ी राष्ट्र का गौरव है। पीएम ने खिलाड़ियों की ट्रेनिंग पर ध्यान दिया। ब्लॉक स्तर पर खेल सेंटर की स्थापना हो रही है। नेशनल गेम्स में यूपी के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। पदक प्राप्त करने वाले और प्रतिभागी खिलाड़ियों के सम्मान के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में जिनका योग्य मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमारे प्रदेश के युवा खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ है, ऐसे केंद्रीय खेल और युवा सूचना एवं प्रसारण मंत्री माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी गण, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, श्री सुरेश खन्ना जी, प्रदेश के युवा कल्याण और खेल मंत्री श्री गिरीश चंद यादव जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण श्री आलोक कुमार जी, संजय प्रसाद जी, एल वेंकटेश्वर लो जी, खेल के सचिव श्री सुहास एलवाई और अन्य सभी अधिकारीगण, एशियन गेम्स, पैरा एशियन गेम्स, नेशनल गेम्स में प्रतिभाग करने वाले और पदक प्राप्त करने वाले हमारे सभी प्रदेश की विभूतियां और प्रदेश भर से आए हुए हमारे सभी युवा उत्साही